सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन कैंडी। ये कैंडी मैं बनाने वाली हूँ वाटरमेलन के छिलके से, जो कि बहुत ही आसानी से सब घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए इस वाटरमेलन की कैंडी को बनाना शुरू करते हैं। तरबूज के छिलके की कैंडी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ तरबूज के छिलके। इन्हें मैंने ऐसे कट कर लिया है और इनका मैंने ग्रीन पोर्शन निकाल दिया है। शुगर हम लेंगे यहाँ पर 1 कप। कैंडीज़ को कोट करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर। कैंडी में खट्टा फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून यहाँ पर सिट्रिक एसिड, इसे हिंदी में हम टाटरी कहते हैं। इसकी जगह पर आप लेमन जूस ले सकते हैं। कैंडीज़ को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर एडिबल फूड कलर लिया है, आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं। कैंडीज़ में फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट तरीके के एसेंस लिए हैं, जिनमें से है चॉकलेट, वनीला और बटर स्कॉच। आप चाहें तो यहाँ पर गुलाब जल ले सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे और शुगर को अच्छे से डिजोल्व होने देंगे। और शुगर अच्छे से यहाँ पर डिजोल्व हो गई है। अब हम इसमें जो तरबूज के छिलके मैंने काट कर रखे हैं वो डालेंगे। और इसे हम अच्छे से चला देंगे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। हमें इसके ट्रांसलूसेंट यानी कि अर्ध पारदर्शक होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गए हैं और ये ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, तो अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे 4 अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये मैंने इन्हें 4 बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। एक में हम डालेंगे रेड फूड कलर, सेकंड में हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर और थर्ड में हम डालेंगे यहाँ पर येलो फूड कलर। और इस बोल में हम कोई कलर नहीं मिक्स करेंगे। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें फ्लेवर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे रोज वाटर। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए इनमें। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी कैंडीज में फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए कड़ी धूप में रखेंगे ताकि जो हमारी कैंडीज में एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम शुगर की कोटिंग करेंगे। 1 आवर हो चुका है और हमारी कैंडीज का जो मॉइस्चर है वो गायब हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम ये सूखी हुई कैंडीज डालेंगे। अब इसमें हम सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी डालेंगे। पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे
और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी वाटरमेलन कैंडी रेडी हो गई है। आप इसे केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम या फिर डेजर्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।